साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 38 स्थित स्टेट जीएसटी कार्यालय में जिला टैक्स बार एसोसिएशन ने अपने सीनियर अभिवक्ता राजेश कुमार शूटा के साथ एक अधिकारी द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की निंदा करते हुए सांकेतिक हड़ताल की। इसके बाद बार के अधिवक्ता ने एक बैठक कर उपरोक्त अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। बैठक में जिला टैक्स बार एसोसिएशन के अधिवक्ता ने विचार विमर्श करके एसोसिएशन के प्रधान राजकुमार कथुरिया के नेतृत्व में डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर दीपा चौधरी से मुलाकात की और यह पूरा मामला उनके समक्ष रखा। इस पर डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर ने ईटीओ एनफोर्समेंट को वर्क सस्पेंड करने का आश्वासन दिया। हम डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर मैडम दीपा चौधरी से मिल के आए हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं जल्द से जल्द उस मैडम का वर्क विड्रॉ कर लूँगी और अगर मैडम सॉरी फील कर देती है तो आप अपनी स्ट्राइक को ख़त्म कीजिए। अब हमारी बार इस मामले में डिस्कस कर रही है कि उनसे माफ़ी मंगवाई जाए या वर्क विड्रॉ कराया जाए या उनकी ट्रांसफ़र कराई। इस दौरान सीनियर अभिवक्ता राजेश कुमार शूटा ने उपरोक्त अधिकारी पर दुर्व्यवहार करने सहित कई आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि वह आर्गुमेंट को हरासमेंट बता रही हैं और वकीलों को बोलने नहीं देना चाहती। साथ ही राजेश कुमार शूटा एक अन्य अधिकारी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इसने चेसिस नंबर गाड़ी का लिखने से ये मना कर दिया जो कि रिक्वायरमेंट है एक्ट की M01 के अंदर लिखना जाना चाहिए। तंग कर रही है सिर्फ से एक काम के लिए। पर्पज आप लोग समझ गए हो कि क्या पर्पज है उसका। क्या बदसलूकी भी की गई आपके साथ? हैं, बदसलूकी भी की गई आपके साथ? बदसलूकी भी की। मुझे कहती है डोंट हरस मी, लिख के दिया डोंट हरस मी। आर्गुमेंट्स को हरसमेंट कहती है वो। वकीलों को बोलना नहीं देना चाहती, जो इसको पैसे दे दे उसके साथ खुश है। पूरे एक महीना तक हरस करती रही, मैं नहीं छोड़ती। कौन सा अधिकारी थे, कौन सा डिपार्टमेंट? नीलम रानी ATO एनफोर्समेंट, उसके साथ इंस्पेक्टर है दिनेश शर्मा जो कि एक करप्शन का डैन बना हुआ है। ये बार बार कहते हैं कि एडिशनल कमिश्नर को मिल के आओ। अब ऐसे में देखना होगा कि जिला टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा लिए गए इस एक्शन के बाद उपरोक्त अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। लेकिन इतना जरूर है कि टैक्स बार एसोसिएशन के सभी अभिवक्ता इस मामले को लेकर आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। गुरुग्राम से वी न्यूज के लिए विजेंद्र कुमार की रिपोर्ट।